पनिया बहाबा तो लड़ाई होबा लड़ाई अदबा काहे बोलो बक्सोदी के हर जाई आगे बुढ़ना ही गे बढ़िया पैमा कर दोगे ई कर दोगे हमर दुबरिया पर काहे पनिया ना बही गे हमर दुबरिया पर काहे पनिया जाओगे सनका गरिया बहाय विकास होले ना मर गए मुखिया मर गए मर गए कैसे कैसे बीमारिया से मर गए हफसिया बीमारिया इस तरह बोल रहे मुखिया तो जिंदा है ना जिंदा ना है हमारे लिए ना है ना, ना। आपके लिए जिंदा ना बेटा तो जिंदा है तो हमारे दुगरिया पर का हो मुखिया जी बर्दाश्त नहीं के होवत बा तो बर्दाश्त के टबनिट खाई जनता का अन्याय नहीं के बर्दाश्त होई जिस जनता ने आपको हाथ पर हथेली पर रख कर आपको बनाया वही आपको कान पकड़ के उठा भी सकता तो भूलिए मत आप अस्थाई नहीं अस्थाई 5 साल के लिए बने और वो भी 5 साल में उससे भी पहले हटा सकते हैं अगर आपके मुखिया चोर डकैत निकला है तो आप मुखिया को कैसे हटाएंगे पूरे वीडियो देखें और एक बात और भी मुखिया गलत होता है कि जनता दोनों इस बात को भी हम बताएंगे इस वीडियो में हमारे पंचायत में जैसे हम धमना पंचायत में रहते तो जहां तक हमने जो देखा अपने जीते जागते चुनाव में तो हमारे गांव के पंचायत में एक मुखिया बनने के लिए 50 से 70 लाख रुपया की जरूरत होगा तब जाके मुखिया बनेगा पंचायत समिति बनने के लिए 20 से 30 लाख रुपया चाहिए एक वार्ड बनने के लिए 5 लाख रुपया चाहिए आज बताइए जिसके पास पैसा होगा वही चुनाव लड़ेगा जिसने पैसा पे आपका वोट खरीदा तो वो चोर नहीं निकलेगा तो क्या राजा हरिश्चंद्र निकलेगा जब आपका चुनाव हुआ था गांव में तो याद कीजिए आपका घर घर में 1-1 हजार रुपया गया था 1-1 मुर्गा गया था जब हम सुबह सो के उठते थे आंख पोछते नहीं थे तो भर भर टोकरी मुर्गा जा रहा था हमने अपने आंखों के तस्वीर से देखा देसी दारू पिया था तो बताइए अपने वोट को बेचा अपनी बेटी माँ बहन को बेचा और आज कहता है कि गांव पंचायत में नाना नहीं बना इंदिरा आवास नहीं दिया मुखिया चोर निकला मनरेगा में काम नहीं किया सड़क नहीं बना टंकी में पानी नहीं आया लाइट नहीं लगा तो कहां से लगेगा आप तो चुनाव में वोट से पैसा खरीदे थे ना आज बकर बकर कर रहे हैं तो अगर आज अच्छे प्रत्याशी खोजते तो कंफर्म है कि मुखिया काम जरूर करता लेकिन सोचिए कि अगर मुखिया चोर निकला डकैत निकला तो उसको हटाएं क्या कैसे ये बात बहुत जरूरी है तो देखिए अगर आपके पंचायत में जितने भी वोट हैं उसका एक तिहाई वोट या तो जितने भी वार्ड कमिश्नर है जैसे आपके पंचायत में 15 वार्ड है तो 15 का 1/3 करेंगे तो 3×5 15 कट जाएगा तो 5 वार्ड मिल के एक सिग्नेचर करके आवेदन लिख के जिला पंचायत के पास भेजिए जिला पंचायत अधिकारी जैसे आपका आवेदन को पढ़ेगा तो 7 दिन के अंदर नोटिस भेजेगा और आपके पंचायत में वो आकर बैठक बुलाएगा और जितने भी चुनाव में वोट दिए थे जितने भी जनता थे उनका 1/3 जनता वहां पे उपस्थित होना है और उस 1/3 जनता में उपस्थित होने के बाद फिर से इलेक्शन करवाया जाएगा अविश्वास प्रस्तावा पर अगर अविश्वास प्रस्तावा घोषित हुआ अविश्वास का मतलब जिसने आप पे आपने विश्वास किया मुखिया पर इन मुखिया आपको धोखा दिया आपका विश्वास को घात किया तो उसके खिलाफ उसके विरोध आप वोट कीजिए अगर 1/3 वोट में से जितना वोट मानिए कि 6000 वोट था आपके पंचायत में तो 1/3 2000 वोट होता है तो 2000 कैंडिडेट वहां पे बैठता है तो उसको 50% से प्लस अगर विरोध किया मुखिया का तो मुखिया को हटाया जा सकता है ये हुआ एक तरीका हटाने का दूसरा तरीका है कि अगर मुखिया अपने पंचायत से 6 महीना के गायब है तो उसे हटा सकते अगर 6 महीना से काम नहीं कर रहे तो हटा सकते अगर मुखिया पागल हो गया बीमार हो गया मर गया तो उसके जगह पर उसको हटा के उप मुखिया को बनाया जाएगा और हाँ एक बात याद रखिएगा अविश्वास प्रस्ताव तब घोषित किया जाता है जब मुखिया बनता 2 साल के बाद कि 2 साल के अंदर मुखिया पर क्लेम नहीं कर सकते और जब पंचायत के कार्यकाल में अगर 6 महीना बचा है उस समय भी आप नहीं कर सकते क्योंकि अंतिम पैगाम होता है तो आपका ग्राम का मुखिया चोर डकैत जो भी निकला आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हाँ एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि अपने पंचायत में अगर मुखिया चुनते हैं तो अच्छे इंसान को चुने न कि आप दामाद को चुने जो आपको राज करे।